आज हम आए हैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे, टीवन टर्मिनल पर। आज हम आपको बेंगलोर एयरपोर्ट का व्यू कराएंगे। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। So guys, this is the domestic security check. We have to pass it because if you want to go, like अगर आपको लॉज एक्सेस गेट करना है तो फर्स्ट आपको सिक्योरिटी चेक पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हो। तो अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक पास करने, उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ आपको। So guys, हमने सिक्योरिटी चेक इन पास कर लिया है, अब हम लॉज एक्सेस में जाने का वेट कर रहे हैं। बिक�ज लॉज एक्सेस में हमें 3 घंटे पहले ही एक्सेस मिलता है, तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया, तो मुझे अभी 10 आधे घंटे में मुझे एक्सेस मिलेगी। मैं अभी लॉज एक्सेस में जाऊंगा, वहां की फैसिलिटी को यूज़ करूंगा, उसके बाद की वहां की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहां पर ओनम फेस्टिवल है, आई शायद 29 अगस्त इन केरला। ये बहुत केरल का बहुत अच्छा फेस्टिवल है। मे बी सम ग्लिम्स यहाँ पर उसकी बनाई गई हैं ओनम की, तो आप देख सकते। गाइज, आप देख रहे हैं ये जो gate 2, gate 1, gate something इज मेंशन। यहाँ पर ये बोर्डिंग गेट है, हम यहीं से पास होकर आगे हम अपने फ्लाइट में बैठने के लिए जाते हैं। तो ये आपका बैठने के लिए पूरा बनाया गया है, आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट भी है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये आपका ड्रीम फॉल जैसा, थोड़ी सी लाइटनिंग इन्होंने कम कर रखी है, मे बी नाइट के वजह से, बट इट्स ओके। और दैट यू कैन सी दैट एवरी पीपल इज रेस्टिंग हियर, या यू कैन सी द टॉप व्यू, बॉटम फ्लोर, ऑल पीपल आर रेस्टिंग देयर, दिस इज द टॉप व्यू, सो टुडे आई एम एंजॉयिंग हियर, यू कैन सी द व्यू। तो गाइज, हम लोग ड्रीम फॉक्स लॉज एक्सेस में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर मेरी जितने बजे की फ़्लाइट है मैं उसके लिए फिर मैं बोर्ड करूँगा। तो हम लॉज एक्सेस में आ गए हैं ड्रीम फॉक्स के, आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। गाइज, हमने लॉज एक्सेस में हमने कुछ मील लिया है, कुछ फूड आइटम। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हमने लिया है। सकते हैं मैंने यहाँ पे पावजी लिया है और एक चॉकलेट कोकोनट मिल्क शेक है। और यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे लोग क्राउड में रश है थोड़ा सा, बिकॉज वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉज में एक्सेस में यही थोड़ा सा बेनिफिट होता है, आपको जो मन करे खाने का, जो चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, नॉन वेज वेज सब अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी मील यहाँ पर चेक करूँ कैसी है, अभी तो मैंने मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं आपको देख के बताता हूँ कैसा है। गाइस, आपको मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर। आपको वीडियो में मैं पहले टेस्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे फूड की वैरायटी है, हमारी बोर्डिंग होने जा रही है, टाइम हो गया हमारी फ्लाइट का, हम बोर्डिंग करने जा रहे हैं, अब आपको आगे की वीडियो में वहाँ पर मिलेगा। अब हम फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू, अंदर से क्या व्यू है। देखिए एंट्री कर रहे हैं यहाँ से, ऐसे ऐसे इट्स लॉन्ग जर्नी। अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर यहाँ पर, तो दिस इज द फ्लाइट एक्सपीरियंस। हमारी सीट नंबर है 29। देखिए अभी कोई नहीं आया है, अभी खाली है पूरी सीट। ये कैबिन बैग है यहाँ पे कैबिन रखने का, ये बैठने की सीटें हैं, अभी हम अपने सीट पे जा रहे हैं। वेयर इज 29? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखिए,
लोग की एंट्री हो रही है, सब लोग आ रहे हैं। यहाँ का तापमान ठीक है, मतलब बैंगलोर के मौसम की तरह नहीं कर सकते हम। तो गाइज हमने अपना सामान ले लिया है, तो अब हम मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं। भाई अपनी दिल्ली की वाइब तो अलग ही है भाई, दिल्ली वाले हैं दिल्ली वाले। टर्मिनल थ्री पे आ गए हैं, तो देखते हैं कहाँ पे है मेट्रो का रूट। हमें DMRC की मेट्रो एक्सप्रेस लाइन में, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में, तो देखते हैं कैसा सफर रहता है यहाँ पर।